हेलो दोस्तों, वेलकम टू JW पैथ लैब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि जो भी नई वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ब्लड बैग से ब्लड कंपोनेंट्स बनाएंगे। इसके लिए हमारे साथ मानचंद जी हैं, बहुत शुक्रिया आपको। बहुत धन्यवाद जी। मानचंद जी ने इस वीडियो में पूरी तरह से बताया किस तरह से डबल बैग और ट्रिपल बैग से आप ब्लड कंपोनेंट्स को सेपरेट करें। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। ये हमारा ट्रिपल बैग का है जिसमें हम प्लेटलेट भी बनाया जाता है। इसमें जी जी में दो तरीके का बैग होता है, पहला डबल बैग होता है, ट्रिपल बैग होता है, सिंगल बैग भी होता है जी। सिंगल बैग होल ब्लड के लिए होता है, डबल बैग हम खाली प्लाज्मा और PRBC सेपरेट करते हैं, ट्रिपल बैग में हम कंपोनेंट प्लेटलेट भी बनाया जाता है जी। तो ये हमारा ट्रिपल बैग है। तो इसमें प्लाज्मा और प्लेटलेट दोनों बनेंगे और PRBC बनेंगे। इसमें प्लाज्मा, प्लेटलेट, PRBC तीनों चीज़ें आपके प्रोडक्ट बनेंगे ट्रिपल बैग में। ओके सर। सो हमने ये हमारा देखिए 350 का बैग है, इसको हमने इसमें डाल दिया। सबसे मेन चीज़ जो है, पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई कुछ है तो नहीं। अगर कुछ होता है तो उसको फाड़ देता है, नीचे जब दबाव पड़ता है तो फाड़ देता है जी। तो सबसे पहले हम इसको है तो नहीं रोकने के बाद इसको हम इसके अंदर डालते हैं। ये जो हमारा बैग है, दोनों बैग को हम इसको रखते हैं इसमें। ये हमारा बैग इसके अंदर आ गया जी। ठीक, ध्यान रखें ये भी आपका बैग के नीचे ना रहे, नहीं तो ये भी दबाव पड़ने के बाद फाड़ सकता है जी जी। उसे भी ऊपर रखना है, तो इसको भी आप ऊपर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम इसके पाइप के जो मुंह के ऊपर का भाग रहता है हम उसको साफ कर लेते हैं जी। यहाँ से ब्लड को दबा के निकाल दिया जाता है ताकि RBCs यहाँ पर फंसे ना। देखिए अभी यहाँ पर RBCs आपके फंसे होंगे, तो इसे हम ऐसे ठोक के निकाल देते हैं। ठीक, सेम प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ है, इसके बाद हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद बैग को हम यहाँ पे डालते हैं। वही प्रोसेस बैग के नीचे कोई सॉलिड चीज नहीं पड़े, नहीं तो ऊपर से दबाव मारता है नीचे से बैग फाड़ देता है। ये हो गया हमारा, देखिए RBCs अब नहीं फंसे पड़े हैं किसी में भी। यहाँ से हमने कर दिया, अभी हमारे RBCs कहीं नहीं पड़े। अब हमारा नेक्स्ट जो कार्य है बैलेंस करना। बैलेंस करेंगे, बैलेंस करना जी दोनों बास्केट को। हाँ, बैलेंस करने के लिए हम इसको ऑन करते हैं। ये हमारी बैलेंस मशीन है, बास्केट बैलेंस मशीन। हाँ, बैलेंस ये है, ये वेइंग मशीन कहते हैं जी जी। कौन सा? हाँ, बास्केट वेइंग मशीन है ये। देखिए ये हम हमेशा जीरो पे सेट करते हैं। अभी देखिए इधर उधर भाग रहा है, इसको हम यहाँ से जीरो पे करते हैं। अब हमारा ये जीरो पे हो गया है। ठीक, इसको हम इस तरह से रखेंगे, रखते हैं। ठीक, अभी हमारा 144 का इधर गैपिंग आ रहा है, मतलब 144 हम इधर अभी और डालना है, इधर और डालना पड़ेगा जी। इसलिए हमारे पास कुछ ट्यूबेट्स होते हैं जो इसी के लिए रखे जाते हैं, अभी बैलेंस करने में सहायता करेगा जी। अब हम एक डालते हैं, 174 अभी है तो हम दोनों डाल देते हैं अभी। अभी चार मांग रहा है तो हम चार ट्यूबलेट इसके अंदर डाल देते हैं। जीरो पे आ गया, एकदम जीरो पे आ गया जी। अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से उठा करके इसको जीरो पे सेट करके, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अनबैलेंस ये कर जाता है। फिर से उठा करके एक बार हम फिर से जीरो पे सेट करके इसको फिर रखते हैं।
अभी भी देखिए तो कर हुआ रहा है हमारे पास। बिल्कुल क्लियर जी। जब तक आपका ये प्रोसेस बिल्कुल जीरो पे ना आने लगे तब तक आप ये मान के चलिए कि हमारा बैलेंस बिल्कुल गड़बड़ है। अभी एकदम जीरो पे सेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना हमने इसमें कुछ किया ना कुछ किया, ये आपका जीरो पे सेट हो गया। ठीक, मतलब हमारी बैलेंसिंग बिल्कुल बराबर है। अब हम ये है हमारी क्रायो फ्यूज मशीन, इस पे हम कंपोनेंट तैयार करते हैं, इसी में हमारी कंपोनेंट बनाई जाती है। तो पहले हम क्रायो फ्यूज मशीन को ऑन करते हैं, यहाँ पे 5 सेकंड का वो मांगता है, टाइमिंग मांगता है, 5 सेकंड के बाद ये ऑन हो जाता है। तो अभी ऑन होने हमारी मशीन हो चुकी है रेडी, मतलब तलने के लिए तैयार है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये देखिए हमारे 4 बटन होते हैं, एक बल्ब का होता है, एक ओपन का होता है, एक स्टार्ट का होता है, एक स्टॉप का होता है। तो हमें जब भी कोई ऐसा लगे कि बैलेंस बेकार है या फिर मशीन इधर उधर भाग रही है तो हम स्टॉप कर सकते हैं। अनदर ये तो हमारा ओपन करने के लिए होता है, तो हम इसको पहले ओपन करते हैं। ये बटन हमने क्लिक किया, ओपन हो गया, इसको हम यहाँ पर रखते हैं, इसको यहाँ पर लगा दिया हमने, इसे उठाया। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर आप सिंगल बैग लगा रहे हैं, अगर आप सिंगल बैग लगा रहे हैं तो हमेशा बाहर की साइड में लगाया जाता है, अगर आप डबल बैग दोनों बैग पकड़ कर लगा रहे हैं तो बैग किसी तरह कैसे भी रख सकते हैं, मगर जो बैलेंसिंग आप कर रहे हो वो आमने सामने ही रहे हमेशा। तो हमारा ये इसमें किस सिंगल बैग है, तो इसको हम देखिए बाहर की साइड करते हैं, ये हमारी बाहर की साइड की आरबीसी है, जस्ट उसी के सामने हम ये बैग डाल दे रहे हैं बैलेंस में, ये भी बाहर की साइड में ही हमारा है। जी जी, बैग बाहर की साइड में होगा। हाँ, अगर सिंगल बैग है तो हमारा बाहर की साइड में रहेगा, अगर डबल बैग है तो किसी भी तरीके से रख सकते हैं, मगर बैलेंस जो करेंगे बकेट आप उसको आमने सामने ही रखिए। हमने बंद किया, ये हमारा क्लोज हो गया, यहाँ पे सेट होते हैं कुछ टेम्परेचर वगैरह सेट होते हैं, तो यार इसमें पहले से ही सेट है। तो हम सबसे पहले इसको चलाते हैं 1 नंबर पे 1000 RPM पे 10 मिनट के लिए 22 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 1 नंबर पे जब हम चलाते हैं तो 1000 RPM पे चलता है, 10 मिनट के लिए चलता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारा ये देखिए ब्लिंक करना बंद हो गया सब कुछ, तो हम यहाँ पे सिंपली सा स्टार्ट कर देते हैं। अब ये हमारी मशीन स्टार्ट हो गई, टाइमिंग चलने लगी, 22 डिग्री सेल्सियस अभी है। ये टाइमिंग ख़त्म होने के बाद ये अपने आप प्रोसेस बंद हो जाता है, जब बंद हो जाता है इसके बाद ये एंड खुद अपने आप हो जाता है। अब हम लोग PRBC को सेपरेट करेंगे, इसके लिए ये प्लाज्मा एक्सप्रेसर मशीन है, इसी के अंदर हम प्लाज्मा, PRBC और ब्रेटलेट तीनों सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्लोली पहले तो अपना खाली बैग निकालते हैं, पकड़ के देखें कि ये हिल ना पाए, जरा सा भी अगर ये हिलेगा इधर उधर जाएगा तो ब्रेटलेट इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, तो जितना हो सकता है उतना स्लोली सावधानी से उठाएं, हिले ना, मिक्स ना होता है जी। इसको आपने बिल्कुल स्लोली निकाला, अब इसी सेम कंडीशन में आप ले जाकर के इसके अंदर रख दीजिए, रखने के बाद इसको आप ओपन कर दीजिए। ठीक है, अब ये हमारा बैग स्टेबल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये किस में ट्रांसफ़र करना होगा, कौन से बैग? ये हमारा जो होता है फर्स्ट, अगर हम प्लाज्मा प्लेटलेट के लिए बनाते हैं, जी प्लेटलेट के लिए हमारा प्लेटलेट वाले में पहले ट्रांसफ़र होता है, प्लाज्मा और प्लेटलेट दोनों पर इसी में ही प्लेटलेट वाले में ट्रांसफ़र कर लेंगे प्लाज्मा। अगर हम डबल बैग बनाते हैं, डबल बैग जैसे हमें सिर्फ प्लाज्मा और PRBC ही चाहिए होगा, तो हमारे पास एक छोटा सा ट्रांसफ़र बैग होता है जो ये है हमारा, ये हमारा ट्रांसफ़र बैग होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सैगम हमारा होता है, ये सैगम होता है हमारा, सैगम से क्या होता है कि
PRBC की 7 दिन की लाइफ टाइमिंग बढ़ जाती है। जी जी। तो इस सैगम को हम इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं, देन इसके बाद हम प्लाज्मा एक्सप्लोर करते हैं डबल बैग के लिए। डबल बैग के लिए, लेकिन ये हमारा ट्रिपल बैग है। लेकिन ये हमारा ट्रिपल बैग है। जी जी। तो हम इसको पहले देखिए, इसके यहाँ पे सेट करते हैं, रखते हैं ट्रिपल बैग, इसको हम 0 पे सेट करते हैं। ठीक है, 0 में हमारा सेट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे एक लॉक होता है, ये जो हमारा है ये एक लॉक होता है, हम इसको इस लॉक को तोड़ना होगा। हाँ, इस लॉक को एक बार ऐसे करिए, मोड़िए, एक बार ऐसे मोड़ दीजिए। जी, ये टूट गया लॉक, ये अपना लॉक टूट गया। अब देखिए इसमें प्लाज्मा और प्लेटलेट दोनों आ जाए, दोनों पास हो रहे हैं। जी जी जी, ताकि हमारा PRBC उसमें ना सेपरेट हो जाए। जी, प्लाज्मा हमारा प्लाज्मा PRBC दोनों अलग हो जाए, प्लेटलेट अभी एक में ही जाएगा। सेकेंड राउंड में जब हम करते हैं ऐसा, तो हमारा प्लाज्मा और प्लेटलेट सेपरेट होता है। अभी तो सिर्फ हम PRBC सेपरेट कर रहे हैं। ओके जी। आप कोशिश करिए कि ये जो बफी कोट है, सिर्फ बफी कोट ही इसके अंदर जाए, क्योंकि बफी कोट में ही हमारा WBC होता है, प्लेटलेट भी होता है। तो हम बहुत सावधानी से सिर्फ बफी कोट लेते हैं। ये हमारे सारे बफी कोट आ गए। जी ठीक है, अभी जो आ रहा है, अब हमारा PRBC भी आ रहा है। PRBC आ रहा है, इसके लिए हम लोग लॉक कर देंगे। अब हमारा ये लॉक हो गया, इसको हम हटाते हैं। ठीक है, ये वही बताया मैंने, ये सैगम होता है, सैगम से लाइफ टाइम 7 दिन की बढ़ जाती है, 7 दिन की बढ़ जाती है, इसीलिए हम इसे ऐड करेंगे। PRBC में ऐड करेंगे, तो इसमें भी एक लॉक होता है, इसको भी हम इसी तरीके से तोड़ते हैं। लॉक तोड़ने के बाद हम सारा इसमें ट्रांसफर कर देते हैं सैगम, सारा सैगम PRBC के बैग में चला जाएगा प्राइमरी। अब हमारा PRBC का काम ख़त्म, तो हम इसको सील कर देंगे, लॉक कर देते हैं। ये हमारा हैंड सीलर ट्यूब है, हैंड ट्यूब सीलर है। अब हमारा ये अलग हो गया है, इसको हम बकायदे मिक्स करके अब रख देते हैं। PRBC हमारा तैयार हो गया। PRBC आपका तैयार हो गया, अब इसको हम ले जाके अनस्क्रीन फ्रिज में रख देते हैं, जो कि 4 से 6 डिग्री के बीच में रखा जाता है। ओके ओके। बाद में स्क्रीनिंग होने के बाद इसे स्क्रीनिंग होने के बाद ही हम सप्लाई करते हैं। कभी कैसे ऐसी कंडीशन नहीं आती है, बताओ कि स्क्रीनिंग की जाती है। अब हमारा ये प्लाज्मा PRBC तो अलग हो गया, अब हमको अलग करना है प्लाज्मा और प्लेटलेट। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर ये दोनों पकड़ उठाएंगे, इन दोनों जो हमने सेपरेट किया था। जी, इससे जो है प्लेटलेट्स बनाएंगे। हाँ, अब हमारा फिर से वही प्रोसेस होगा, फिर से वेट करेंगे, सेम करोगे, फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। ओके, फिर बैलेंस करके फिर हमें सेंट्रीफ्यूज करना होगा क्रायोफ्यूज में। जी जी जी, ये हमारा एक बार रख के फिर से क्रॉस चेक करेंगे। अभी हमारा एक का फिर से रेसुलाज लगा, तो इसके लिए हम एक ट्यूबेट डाल देते हैं। ट्यूबेट डालें, आपको कुल मिला के बैलेंसिंग करना है, मेन सबसे यही है, बैलेंस ही मेन है कंपोनेंट बनाते समय में। अभी हमारा 0 पे आ चुका है, अब हम इसको लेकर के चलते हैं क्रायोफ्यूज में। और सेम वही प्रोसेस, अगर सेम अलग बैग है तो बाहर की साइड में एक बैग है, सिंगल बैग है तो दूसरी साइड में रख दीजिए। जैसे देखिए हमारा दोनों एक ही बैग है, इसमें कुछ बकेट में कुछ नहीं है, तो हमारा दोनों सिर्फ बाहर की साइड में है। इसको बंद किया, बंद हो गया। अब हम यहाँ पे सेट करते हैं टीन पे 3500 राउंड पर मिनट, 3500 राउंड पे चलता है, 10 मिनट के लिए ये चलता है 22 डिग्री सेकंड। इसका डिग्री अभी चेंज होगा, वाला कि अभी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये 21-20 के 17 के आसपास में ये चेंज हो गया ना, 17 डिग्री। सेम वही प्रोसेस रहेगा, 3500 RPM, 17 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा सब कुछ बिल्कुल तैयार है, तो हम सिर्फ ये स्टार्ट का बटन दबा देते हैं। अब ये हमारा स्टार्ट होने वाला हो गया,
फिर काउंटडाउन ले लिया है, 10 मिनट ले लिया, अब 10 मिनट रुकेगा, 10 मिनट के बाद फिर वो जब रुकेगा इसके बाद हम प्लाज्मा और प्लेटलेट सेपरेट करते हैं करेंगे। सो व्यूअर्स, अब 10 मिनट हो चुका है, अब हम प्लाज्मा और प्लेटलेट को सेपरेट करेंगे। उसके लिए हमें धीरे से बास्केट को उठाना है और रख देना है। ये हमारा लेमिनार एयर फ्लो है। तो ये जो ऊपर वाला जा रहा है ये प्लाज्मा है। हाँ, ये प्लाज्मा होता है जी। ये देखिए नीचे जो हमारा है, ये शटर, ये प्लेटलेट हमारे शटर डाउन हुआ है ये जी। हाँ, साथ साथ में हम इसका वेट भी कर तो अभी ये हमारा प्लेटलेट्स अलग हो गया है प्लाज्मा से।